कारगिल में टाइगर हिल से पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटने से मजबूर करने और मौत की नींद सुलाने के बाद अब टाइगर हिल के पश्चिम में मशको घाटी क्षेत्र से अवैध घुसपैठियों को खदेड़ने की बारी थी। मशको घाटी पर 7 जुलाई को भारतीय सैनिकों ने परचम लहरा दिया था, पर पॉइंट 5301 पर अभी भी दुश्मन डेरा डाले बैठा था। 8-9 जुलाई 1999 को इस क्षेत्र को पाकिस्तानी सैनिकों से मुक्त कराने के ऑपरेशन की शुरुआत हुई। इस दौरान भारतीय जांबाजों ने न सिर्फ उन्हें ढेर किया बल्कि उन्हें भारतीय क्षेत्र से पीछे हटने पर भी मजबूर कर दिया। आप देख रहे हैं कारगिल की इस विशेष सीरीज का 24वां एपिसोड। पिछले 23 भागों में हमने अलग अलग द्रास, काक्सर, बटालियन सेक्टरों में युद्ध के घटनाक्रमों की जानकारी दी है। अगर आपने वो नहीं देखे तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं आगे। ऑपरेशन विजय में 8-9 जुलाई 1999 की रात 8 जाट बटालियन को मशको घाटी के पॉइंट 5301 से घुसपैठियों को खदेड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी। हवलदार शीस राम गिल की यूनिट 8 जाट बटालियन 28 इन्फेंट्री डिवीजन, जिसे वज्र डिवीजन भी कहा जाता था, के तहत काम कर रही थी, जिसका मुख्यालय जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में था, जिसका पूरा नियंत्रण 15वीं कोर के पास था। कारगिल युद्ध के दौरान जोजीला के पास से काबल गली का पश्चिम भाग 28 इन्फेंट्री डिवीजन की जिम्मेदारी में था। इसी के तहत 8 जाट बटालियन को 17,000 फीट ऊंची ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र, जो कि LOC के करीब था, उसे दुश्मन से मुक्त करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 8 जाट बटालियन के हवलदार शीस राम गिल को उनकी यूनिट का नेतृत्व सौंपा गया। 8-9 जुलाई 1999 की रात हवलदार शीस राम ने अग्रिम मोर्चे पर अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और विशेष पर्वतारोहण उपकरणों का प्रयोग करते हुए एक खड़ी चट्टान पर चढ़ाई शुरू की। इस दौरान हुई हलचल से दुश्मन को उनके ऑपरेशन की भनक लग गई। देर रात दुश्मन ने ऊपर से मशीन गन और मोर्टार से भयंकर गोलीबारी शुरू कर दी। निडरता से हवलदार गिल अपनी टीम के साथ आगे बढ़ते रहे। वो पैरों में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन अपनी चोट की परवाह किए बिना उन्होंने अपने साथियों को दुश्मन के ठिकानों पर वापस फायर करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने इस दौरान शांति बनाए रखी और सावधानी से निशाना साधा और दुश्मन के ठिकानों पर बार बार अपनी स्नाइपर राइफल से फायर किया। वो 6 दुश्मन घुसपैठियों को मारने और अन्य 4 को घायल करने में सफल रहे। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया और बहादुरी से लड़ना जारी रखा। अंततः 9 जुलाई 1999 को लगभग 3 बजे उन्होंने गंभीर घायल अवस्था में दम तोड़ दिया। हवलदार शीस राम गिल के अलावा 8 जाट बटालियन के 5 अन्य सैनिकों ने इस पूरे ऑपरेशन में अपनी जान कुर्बान कर दी। वहीं उनके साथी सिपाही नरेंद्र सिंह भी भारी गोलीबारी व अन्य बाधाओं को पार करते और घुसपैठियों को खदेड़ते हुए देर रात मशको घाटी के पॉइंट 5301 पर पहुंच गए और घुसपैठियों को खदेड़कर वहां कब्जा कर लिया। रात के समय वहां काफी अंधेरा था। इस दौरान दुश्मनों के जवाबी हमले में सिपाही नरेंद्र सिंह को सिर व जांग में गोली लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और गोलीबारी करते रहे। गोली लगने के कारण वे गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में वे शौर्य का प्रदर्शन करते हुए बलिदान हो गए। इस दौरान उनके साथ 8 जाट रेजिमेंट के सिपाही पवित्र कुमार भी दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। युद्ध के दौरान बड़ी बहादुरी से उन्होंने कई जवानों को क्षेत्र से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अचानक दुश्मन की तोप का एक गोला उनके पास आकर गिरा और फट गया। उसके भयानक विस्फोट से सिपाही पवित्र कुमार बेहद घायल अवस्था में बलिदान हो गए। इस दौरान 8 जाट बटालियन के बलिदानियों में लांस नायक आजाद सिंह और लांस नायक हवलदार लक्ष्मण सिंह भी शामिल थे। कारगिल के अगले भाग में हम आपको बताएंगे कारगिल के कुछ और शूरवीरों की शौर्य गाथा।